स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप भी ड्रीम इलेवन पर बैकअप प्लेयर किस तरह ऐड कर सकते हैं ताकि जब आपका मैच स्टार्ट हो जाए फिर भी आप यहां पर कोई भी प्लेयर चेंज कर पाएंगे। उससे पहले आप यहां पर देख सकते हैं मेरी विनिंग, यहां पर हर मैच में मैं ZL विन करता हूँ। आप भी मेरी तरह टीम लेना चाहते हैं तो मेरा आप यूज़र नेम यहाँ पर देख सकते हैं, मुझको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट ड्रीम इलेवन पर। ठीक है दोस्त, तो अब बात कर लेते हैं कि किस तरह आप यहाँ पर बैकअप प्लेयर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपकमिंग मैच को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकअप अवेलेबल फॉर दिस मैच। आपको ये यदि ये ऑप्शन ऊपर आ जाता है तो आप समझ लीजिएगा आप इस मैच के अंदर बैकअप यूज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको माई टीम पर जाकर क्रिएट टीम पर क्लिक करना है और क्रिएट टीम पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई भी प्लेयर्स ऐड कर लेंगे। तो चलो साथियों, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर जल्दी जल्दी से कोई से भी प्लेयर ऐड कर लूँगा और यहाँ पर देख सकते हैं मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दूँगा, कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर लूँगा और सेव के बटन पर क्लिक कर दूँगा। तो देख सकते हैं मैं सेव के बटन पर यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ तो मैनेज योर टीम बेटर विथ बैकअप। तो सिंपली दोस्त आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड बैकअप के बटन पर क्लिक करना है कि जब आपका मैच स्टार्ट हो जाए तो आप किन किन प्लेयर्स को यहाँ पर एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो मैं जैसे बोल्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा, होल्डर कर लूँगा, कॉनवे कर लूँगा और यहाँ पर मैं संजू बाबा कर लूँगा। उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दूँगा। तो दोस्त उसके बाद आप अपनी टीम यहाँ पर दे सकते हैं और यहाँ पर आप बैकअप एड के बटन पर क्लिक करते हैं, एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप बाकी की टीम दोस्त दे सकते हैं। तो इस तरह आप बैकअप प्लेयर ऐड कर सकते हैं और लाइव मैच के दौरान आप इसको चेंज कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। सो दोस्त, आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्त जल्दी वीडियो।